किसी को अगर सवाल दिमाग में ये आए कि कैसे पता करें किडनी मेरी काम ठीक कर रही है नहीं कर रही है, बेस्ट उसका जवाब तो यही है कि वो तो टेस्ट के सहारे ही पता चल पाएगा। क्यों? ऐसी बात है कि किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरुआत में बड़ी साइलेंट होती हैं, तो आप साइलेंट से मतलब समझ ही रहे हैं कि साइलेंट का मतलब है शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं होगा, तो आप लक्षण के बेस पे सोचेंगे कि मैं पता कर पाऊँ मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है नहीं, वो संभव नहीं है। क्योंकि लक्षण आते हैं तब जब किडनी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा उसकी डैमेज हो चुकी होती है, तो पहला लक्षण ही तभी आता है। सूजन है, सांस फूलना है, भूख का कम लगना है, उल्टी है, खून कम होना है, तो ये सारे लक्षण हैं, लेकिन ये सब आएंगे जब 50% से ऑलरेडी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तब शुरुआती दिनों में कैसे कर सकते हैं, वो थ्रू टेस्ट्स हैं। नाउ टेस्ट जो है कुछ हम लोग हेल्थ चेकअप के तौर पे एक पैकेज के तौर पे भी यहाँ पे भी कर रहे हैं, जिसमें पेशाब की जांच है, सिंपल जांच जिसमें हम प्रोटीन चेक करते हैं, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा पेशाब में, कोई ब्लड या पस ये सब तो नहीं आ रहा, और प्रोटीन तो नहीं आ रहा। तो उसके अलावा प्रोटीन में भी स्पेसिफिक होती है एक माइक्रो एल्बुमिन, तो माइक्रो एल्बुमिन तो यूरिन में नहीं आ रहा, क्योंकि ये शुरुआती एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा है एक और जिसमें हम ब्लड का टेस्ट लेते हैं, और वो है ब्लड में यूरिया का बढ़ना, ब्लड में क्रिएटिनिन का बढ़ना। तो ये ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकता है, ये किसी लक्षण से नहीं पता चलेगा, लक्षण तो तभी आएंगे जब क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ चुका होता है। उसके अलावा हम लोग एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिनमें हमें लग रहा होता है कि इनमें पेशाब या खून की मात्रा, खून का की जो जांच है वो एबनॉर्मल है, तो एक अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए। उसमें किडनी के साइज़ का, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है, कहीं ब्लड तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, कई सारी चीज़ें किडनी की अल्ट्रासाउंड देख के जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा जो भी टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक हैं, जो फिर डॉक्टर ही एडवाइस करें तो हो सकता है, जैसे खून की मात्रा है, अब हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, लेकिन वो कई और बीमारियों में भी कम होता है। तो बड़े ऐसे टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक टू किडनी नहीं है, लेकिन जो ब्लड यूरिया बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं किडनी की कमज़ोरी दर्शाता है।